हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मदीहा और मेरे चैनल का नाम है रिएक्शन विद मदीहा सर्वर। तो आज से मैंने सोचा है कि मैं अपनी ही पुरानी वीडियोस का जो है उस पर रिएक्शन करूँगी, बताऊँगी कि ये जो मैंने वीडियो बनाई थी उस प्रोडक्ट को अभी भी आप परचेस कर सकते हैं या नहीं। और इस तरह से ये होगा कि मेरी जो पुरानी वीडियोज़ हैं वो दोबारा से आप लोग देख पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, उन्हें नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर मैं बायोफेट क्रीम का रिव्यू कर रही हूँ और आप देख सकते हैं मैं कितनी अजीब सी लग रही हूँ। और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मेरी पिछली वीडियोस, अगर आप देखो उसमें स्किन मेरी कैसी, और अब माशाल्लाह मेरी स्किन बहुत ज़्यादा जो है रिपेयर हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और हम इस वीडियो को देखते हैं, ताकि पुरानी वीडियो देखें। और हमेशा से मैं ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ करती आई हूँ। पहले प्रोडक्ट लेती हूँ, अपने ऊपर उसको ट्राई करती हूँ, जैसा भी रिजल्ट होता है अच्छा या बुरा वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। वीडियो जल्दी बनाने वाली हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं परचेज़ तो कर लाई थी, लेकिन मुझे अपने ऊपर उसको ट्राई भी तो करना था कि वो वाकई ही काम करती है या नहीं। तो मैं बात कर रही हूँ, या पहले बता दूँ कि वो क्या क्या काम करती है। ये वाइटनिंग क्रीम जो है ये मेडिकेटेड है, उसके अलावा ये वाइटनिंग के साथ साथ आपके फेस पर पिगमेंटेशन है, ब्लैक स्पॉट्स हैं, ये उन्हें ख़त्म करती है। ये मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई किया है और मुझे इसके रिज़ल्ट मिले हैं ऑसम। मैं बात कर रही हूँ बायोफेट की। इस पर लिखा है स्किन लाइटनिंग सिस्टम, अल्ट्रा वाइटनिंग विद एंटीऑक्सीडेंट। 30 ग्राम की ये ट्यूब है, ठीक है। और ये सेंटेक्स जो है इसकी कंपनी है। उसके अलावा यहाँ सारी जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें लिखे हैं, अल्फा आर्बुटिन और फ्रूट्स एक्सट्रैक्ट्स हैं, और सोडियम है, लिकोराइस है, कोजिक एसिड है, विटामिन ई है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। और ये सारे जो हैं इन्हीं चीज़ों के लिए काम करते हैं कि फेस पर आपके पिगमेंटेशन है, ब्लैक स्पॉट्स है। और कोजिक जो है ये वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। इसकी एक्सपायरी है 2020 तक, और इसके प्राइस है 895, लेकिन ये आपको डिस्काउंट के साथ 800 में मिल जाएगी। अब देखते हैं इसकी ट्यूब कैसी है। तो ये इसकी ट्यूब है, और सीरियसली जब मैं इसको परचेज कर रही थी तो मुझे यकीन नहीं था कि इसके रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छे हैं और बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके रिज़ल्ट मुझे 7 दिन के अंदर मिलना शुरू हो गए थे। आपको पता है मेरी ऑयली स्किन है, मुझे पिंपल्स होते रहते हैं, और जब पिंपल्स होते हैं तो वो निशान जो है वो लाजमी छोड़कर जाते हैं फेस पर। तो मेरे फेस पर जो थे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हो रहे थे, तो मैं ख़ुद भी बहुत परेशान थी कि डार्क स्पॉट्स के लिए क्या किया जाए, क्योंकि होम रेमेडीज़ काम करती हैं, लेकिन होम रेमेडीज़ जो है बहुत स्लो काम करती हैं और इतने पेशेंस हमारे अंदर होते नहीं हैं। और जाहिर सी बात है फेस है, सबसे पहले आपका फेस ही नज़र आ रहा होता है कहीं भी आप जा रहे हैं, तो फिर उनको छुपाने के लिए इतना देर बैठ के आपने जो है मेकअप करना होता है, कंसीलर से कवर करना होता है उसे, तो इतना टाइम इसमें वेस्ट होता है। तो अब परेशानी की कोई बात नहीं है। और जितने भी मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, प्लीज़ अब वाइटनिंग क्रीम के लिए रिक्वेस्ट मत करना, क्योंकि ये जो है सीरियसली ये बेहतरीन क्रीम है। खुद यूज़ करी है मैंने, और मुझे अभी तीसरा हफ्ता लगा हुआ है इसे यूज़ करते हुए। मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाती हूँ कैसी है। ये वाइट कलर में है, और ये देखने में थिक लग रही है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत जल्दी ऑब्जॉर्व हो जाती है। देखिए आप, बहुत जल्दी ऑब्जॉर्व हो जाती है। फ्रेग्रेंस इसकी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी, देख सकते हैं आप। इसका जो रिज़ल्ट है आपको 7 दिन के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। ज़िद्दी से ज़िद्दी जो धब्बे हैं आपके, उनको ये लाइट करना स्टार्ट कर देगा। 7 दिन में आपको नज़र आएगा फर्क। अब बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई किस तरह से करना है। इसको आप चाहें तो जो आपका अफेक्टेड एरिया है, जहाँ स्पॉट्स हैं आपके, ब्लैक डार्क स्पॉट्स हैं, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ। और आप चाहें तो इसको पूरे फेस पर, नेक पर, ईयर्स पर, जैसे हम नॉर्मल क्रीम्स यूज़ करते हैं, वाइटनिंग क्रीम्स, उस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं।
कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। लेकिन साइड इफेक्ट की बात मैं आपको एक ये बता दूं कि कोई भी चीज़ अगर हम अनलिमिटेड कर देते हैं तो डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट तो होंगे ही। इसको आप 3 महीने तक रेगुलर यूज़ करें, उसके बाद आप इसको स्किप करें 1 हफ्ते 2 हफ्ते, उसके बाद फिर चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आपको, क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे से बहुत फास्ट मिल रहा है, 1 हफ्ते में इसका रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 महीने में तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। अगर आपको 1 महीने में 2 महीने में आपका रिज़ल्ट जो आप चाहते हैं वो मिल जाता है तो फिर क्या ज़रूरत है इसको ज़्यादा आपको यूज़ करने की, तो फिर आप इसे क्विट कर सकते हैं। और अगर नहीं आप चाहते हैं कि हम इसे अपने यूज़ में रखें तो आप इसको 3 महीने यूज़ करें, उसके बाद आप इसको 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए स्किप करें, उसके बाद फिर से आप इसको लगाना स्टार्ट कर दें, तो इसके साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। और सीरियसली ये मुझे बहुत पसंद आई, और अब आप लोगों की टेंशन दूर हो गई होगी। ब्लैक स्पॉट्स के लिए बहुत मैसेजेस आते थे, पिगमेंटेशन के लिए बहुत मैसेजेस आते थे। पिगमेंटेशन वालों के लिए मैं बता दूं कि पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत अच्छे से काम करेगी, लेकिन अगर पिगमेंटेशन बहुत पुरानी है तो ये तो अपने तरीके से काम करेगी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है आपकी पिगमेंटेशन जो है वो बहुत पुरानी है तो आहिस्ता आहिस्ता ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, क्योंकि सीरियसली ये क्रीम बहुत ही बेहतरीन है, मुझे बहुत पसंद आई। और आप यकीन करें, वीडियो बनाने से पहले पहले मैं इस क्रीम को 5-6 लोगों को बता चुकी हूँ कि ये क्रीम यूज़ करो, ये बहुत ज़बरदस्त है, और मैं वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने रिव्यू देखा इस बायोफेट के बारे में, तो सीरियसली ये क्रीम बहुत औसम है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं आज भी ये क्रीम यूज़ करती हूँ। बायोफेड मेरी जो है एक मस्ट एक प्रोडक्ट है जो कि मैं कभी नहीं छोड़ सकती। तो मैं आज भी यही कहूँगी कि जिसको वाइटनिंग क्रीम चाहिए वो बायोफेड ज़रूर इस्तेमाल करें, और फिर मुझे आकर बताएं कि वाकई बायोफेड बेहतरीन है।